गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ डिवीजन। हमें वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है डिवीजन की। हमें डिवीजन की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी है, हम उनको सोल्व करेंगे। साथ में इस वीडियो में मैं दूसरा टॉपिक और ले रही हूँ, चेक डिवीजन। चेक डिवीजन में मतलब आपको क्वेश्चन दिया होगा, आपको कुछ क्वेश्चन की वैल्यू दी होगी, प्लस आपको डिवाइजर की वैल्यू दी होगी, आपको रिमाइंडर की वैल्यू दी होगी और आपको डिविडेंड की वैल्यू दी होगी। और आपको चेक करना है इस डिवीजन को कि इसमें सही सारी वैल्यू सही दी हुई है या नहीं दी हुई है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए टॉपिक को क्लियरली समझने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। जैसे हमने कोई एक नंबर डिवाइड किया, 83 को 6 से डिवाइड किया, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये 6 है जिससे हम डिवाइड करते हैं, ये होता है हमारा डिवाइजर। डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है यहाँ पर वो होता है हमारा क्वोशंट, और लास्ट में जो बचता है हमारा ये कहलाता है हमारा रिमाइंडर। और जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिसको हम डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा डिविडेंड। तो आपको समझ में आया चारों चीज। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो होता है हमारा डिवाइजर, जिसको डिवाइड करेंगे वो होता है हमारा डिविडेंड, और डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो होता है हमारा क्वोशंट, और डिवाइड करने के बाद जो हमारा शेष बचता है वो कहलाता है हमारा रिमाइंडर। अब आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया होगा, आपको डिवाइजर दिया होगा, आपको जैसे डिवाइजर दिया होगा 6, आपको क्वोशंट दिया होगा 13, रिमाइंडर दिया होगा आपको 5, और आपको दिया होगा डिविडेंड। और आपको ये चेक करके बताना है कि आंसर आपका सही है, ये सारी वैल्यूज करेक्ट है किसी भी पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए या नहीं। तो देखिए आप कैसे चेक करेंगे, चेक करने का एक फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला है हमारा डिवाइजर। डिवाइजर को आप मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशंट के साथ, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसमें आप ऐड करेंगे रिमाइंडर, इसमें आप रिमाइंडर ऐड करेंगे। रिमाइंडर ऐड करने के बाद अगर आपका आंसर इक्वल है डिविडेंड के तो आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग है। तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, क्या डिवाइजर को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशंट के साथ, क्वोशंट जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया उसमें आप रिमाइंडर ऐड करेंगे, और इसको ऐड करने के बाद अगर आपका आंसर डिविडेंड आता है तो आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज गलत है। जैसे इस एग्जांपल में डिवाइजर है हमारा 6, क्वोशंट है हमारा 13, तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करना है। तो देखिए तो ये आपका क्या आ जाएगा 78, और इसमें जब आप 5 ऐड करेंगे क्या आया 83, जो कि इक्वल है हमारे गिवन डिविडेंड के। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जो वैल्यूज दी हुई हैं वो सारी करेक्ट है। तो आप लिख देंगे यस ऑल वैल्यूज आर करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे नोट डाउन कर सकते हैं। मेनली आपको ये फॉर्मूला याद करना है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये जो फॉर्मूला है हर जगह यूज हो सकता है। जब भी आपको चेक करना हो, वेरीफाई करने हो डिवाइड के क्वेश्चंस, तो आप इनको इस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपको दिया है डिवाइजर की वैल्यू आपको 5 दी है, आपको क्वोशंट की वैल्यू दी हुई है क्वोशंट इक्वल टू 173, और आपको रिमाइंडर की वैल्यू दी हुई है 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, और आपको डिविडेंड की वैल्यू भी दी हुई है डिविडेंड इक्वल टू 865। और अब आपको इसे चेक करके बताना है, तो आपका क्वेश्चन है चेक द डिविजन।
ठीक है। तो अब आप कैसे चेक करेंगे, इन्हें डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला आपको पता ही है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस में रिमाइंडर, और ये किसके इक्वल आना चाहिए आपके, डिविडेंड के। तो आप मुझे, मैं आप करती हूँ इतना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपका येस और नो में क्या आंसर आता है। तो डिवाइजर है हमारा 5, कोशेंट है हमारा 173, रिमाइंडर है हमारा 0। तो अब आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगी, 5 3 15, 865, और प्लस में जब 0 करेंगी, किसी भी वैल्यू में जब 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। तो हमारा 865 आया, जो इक्वल है डिविडेंड के। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, येस ऑल दी वैल्यूज आर करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिवीजन का, वर्ड प्रॉब्लम। डिवीजन की वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट। हमारी फर्स्ट डिवीजन वर्ड प्रॉब्लम है, 135 चिल्ड्रन वर डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल ग्रुप्स फॉर अ जूडो डेमोन्स्ट्रेशन ऑन स्पोर्ट्स डे, हाउ मैनी चिल्ड्रन डज ईच ग्रुप हैव। देखिए पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्या कह रहा है कि 135 चिल्ड्रन को हमने डिवाइड किया है 5 इक्वल ग्रुप्स में, ठीक है। और आपको ये चेक करना है कि ईच ग्रुप का मतलब होता है वन ग्रुप में कितने चिल्ड्रन होंगे। आपको कैसे फाइंड पता चलेगा कि ये क्वेश्चन डिवाइड का है, जब आपको ज़्यादा की वैल्यू दी हो, जैसे 5 की वैल्यू दी है कि 5 ग्रुप में कितने चिल्ड्रन है 135 में, और आपसे कम की पूछे, कम क्या पूछ रहे हैं, ईच वन ग्रुप की पूछ रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा आपका, डिवाइड। तो आप क्या लिखेंगे, इसकी स्टेटमेंट क्या बनाएंगे, 5 ग्रुप्स। आपको ऐसी स्टेटमेंट बनानी है जिससे आप पढ़ के, आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 और 3 वर्ड्स ऐसे लिखने हैं जिससे ये डिफाइन हो जाए कि उस क्वेश्चन में आपको कहा क्या है। तो 5 ग्रुप हैव चिल्ड्रन, 5 ग्रुप में कितने चिल्ड्रन है स्टूडेंट्स, 135, राइट 135। और आपसे पूछा क्या है, वन ग्रुप में कितने चिल्ड्रंस होंगे, वन ग्रुप में कितने चिल्ड्रंस होंगे। तो आपको देखो यहाँ 5 की वैल्यू दी है और हमें 1 की पूछी है, ज़्यादा की दी हो, कम की हमसे पूछी हो, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो 135 को आप डिवाइड करेंगे 5 से, तो 135 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 2 10, 3 रिमाइंडर बचा, यहाँ से आप 5 उतारेंगे, 5 7 35, तो आपका क्या आंसर आ गया, 27। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 27। तो आपको समझ में आया कि कैसे करना है आपको, 5 ग्रुप्स हैव चिल्ड्रन, 5 ग्रुप में कितने चिल्ड्रन है 135, तो 1 ग्रुप में कितने चिल्ड्रन। तो आपको क्लियर हुआ कि हमें इन क्वेश्चंस में कैसे करना है, जब आपको ज़्यादा की वैल्यू दी हो और कम की पूछी हो तो उन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, डिवाइड। अब सेकंड वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं हम। देखिए, राज हैज़ 966 मार्बल, राज के पास कितनी मार्बल्स है, 966। ही वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द मार्बल्स इक्वली हिज 9 फ्रेंड्स, उसको 9 फ्रेंड्स के अंदर डिवाइड करनी है। तो हाउ मैनी मार्बल्स विच ईच फ्रेंड गेट, कि कितनी मार्बल्स हर फ्रेंड को, उसके हर फ्रेंड को मिलेगी, और हाउ मैनी एक्स्ट्रा मार्बल्स। देखिए अब आप इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, आंसर एक का आंसर निकाल देते हैं, दूसरे का आपका रह जाता है। तो आपको देखिए इन क्वेश्चंस में डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको कि लिखो टोटल मार्बल्स, आपके पास कितनी मार्बल्स हैं, टोटल मार्बल्स लिखेंगे 966 मार्बल्स डिवाइड्स इन 9 ग्रुप, डिवाइड्स इनटू 9। तो आप क्या करेंगे, 9 क्या है आपका, 9 फ्रेंड्स, तो आप यहाँ 9 फ्रेंड्स में लिखिए। तो आपको क्या करना है, 966 को डिवाइड करना है 9 से, ठीक है। तो आप 966 को डिवाइड कीजिए 9 से, 9 1 9, 6 आपने उतारा, 9 की टेबल में 6 नहीं जाता, तो आप यहाँ 0 लिखेंगे। आप ज़्यादातर बच्चे ये गड़बड़ करते हैं कि 0 नहीं लिखते हैं, तो इसके बाद आप यहाँ दोबारा 6 उतारेंगे, 9 7 63, तो कितना रिमाइंडर आता है, 3। तो देखिए यहाँ से आपको 2 आंसर मिल रहा है, एक क्वेश्चन और एक रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा है,
हाउ मैनी मार्बल्स विल ईच फ्रेंड गेट, तो आप लिखेंगे कितने मार्बल्स ईच फ्रेंड गेट कर रहा है, जो आपका क्वेश्चन आता है ईच फ्रेंड गेट 107 मार्बल्स, ठीक है। इसके बाद उसने एक अगला क्वेश्चन भी पूछा है, ध्यान से देखिए, हाउ मैनी एक्स्ट्रा, जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो एक्स्ट्रा मार्बल्स है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स्ट्रा मार्बल इक्वल टू, कितने रिमाइंडर आया है आपका, एक्स्ट्रा मार्बल्स इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा इन क्वेश्चन को करने का तरीका। आपको 966 मार्बल दी थी, आपको उसे 9 से डिवाइड करना है, दो वैल्यूज आती हैं, कुछ हमारा क्वेश्चन आ रहा है, कुछ हमारा रिमाइंडर आ रहा है। जो क्वेश्चन आया वो है हमारा ईच फ्रेंड जो गेट करेगा मार्बल्स, और जो रिमाइंडर आया है वो है हमारी एक्स्ट्रा मार्बल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, गोट इट। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए आपके अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ एक क्लब परचेज 8407 फुटबॉल्स फॉर 6 प्लेयर्स, आपको एक क्लब ने इतनी फुटबॉल्स परचेज की है 6 प्लेयर के लिए, हाउ मैनी फुटबॉल्स विल ईच प्लेयर। देखो इसने वही पूछा है आपसे कि ईच प्लेयर को कितनी मिलेगी, तो आप क्या लिखेंगे, फुटबॉल्स फॉर 6 प्लेयर्स, 6 प्लेयर्स के लिए कितनी फुटबॉल्स है आपकी 8407, तो आपको कितनी फुटबॉल्स निकालनी है 1 प्लेयर के लिए, तो आपको क्या करेंगे 8407 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो आप डिवाइड कीजिए इसे 6 से, आप करके मुझे इसका आंसर बताइए। 6 1 6, यहाँ से 4 उतारा, 6 4 24, यहाँ से आप जब 0 उतारेंगे, 0 6 की टेबल में नहीं आता, तो आप यहाँ 0 लिखेंगे, फिर आपको 7 यहाँ लिखना है, 6 1 6, तो कितना रिमाइंडर रह गया 1, तो देखिए यहाँ 2 आंसर आ रहे हैं आपके, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, ईच प्लेयर गेट, जो आपका क्वोशेंट होता है वो इसका आंसर हो जाएगा, ईच प्लेयर गेट 1401 फुटबॉल्स, और आपके कितनी एक्स्ट्रा बॉल्स है, क्योंकि आपसे पूछा है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा फुटबॉल, कितनी एक्स्ट्रा फुटबॉल 1, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स्ट्रा फुटबॉल इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आए, आज हम तीन ही क्वेश्चंस करेंगे डिवीजन के, हमारे वर्ड प्रॉब्लम के, आई होप आपको समझ आ गए हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।